लगभग 3 महीने पहले हरियाणा सरकार द्वारा राशन डिपो के तहत गरीब परिवारों को दिया जाने वाला सरसों का तेल बंद कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने कहा था कि वो गरीब परिवारों के खाते में 250 रुपए प्रति महीना डालेगी। लेकिन एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पूरे हरियाणा में लगभग 11 लाख ऐसे परिवार थे जिनके खाते में हर महीने ये राशि डाली जानी थी, लेकिन फिलहाल ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके खातों में ये राशि नहीं पहुंच रही। ऐसे में जनता भी परेशान है, तो वहीं विभाग का कहना है कि लोगों द्वारा दी गई खातों की जानकारी सही नहीं है। क्या यह पूरा मामला है, कितने लोगों को इसका लाभ मिला है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लगभग 3 महीने पहले हरियाणा में गरीब परिवारों को डिपो के द्वारा मिलने वाला सरसों का तेल सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया था। ऐसे में सरकार ने यह ऐलान भी किया था कि उन परिवारों को सरकार सीधा उनके बैंक खाते में 250 रुपये प्रति महीना देगी, जिसके बाद सरकार ने आंकड़े तैयार किए तो जानकारी निकल कर सामने आई कि हरियाणा में लगभग 11 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाना था। लेकिन मौजूदा हालातों की बात करें तो हरियाणा में सिर्फ 7 लाख लोगों के खातों में ही पैसे जा चुके हैं, वहीं अन्य को सरकारी योजना के लाभ का अभी भी इंतजार है। अम्बाला की अगर हम बात करें तो अम्बाला में अधिकारियों का दावा है कि ऐसे परिवारों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और डिपो होल्डरों के माध्यम से उन परिवारों की जानकारी दुरुस्त करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि समय रहते लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। ऐसा है, जो हमारे मस्टर्ड ऑयल डिपो होल्डरों को हम सरकार देती थी हर महीने, वो सरकार ने फैसला लिया है कि जून माह से जो मस्टर्ड ऑयल का जो अमाउंट आता था वो उनके खातों में आएगा। लेकिन उसमें अभी ऐसे जो हमारे स्टेट के सारे हैं 11 लाख ऐसे जो फैमिलीज हैं जिसमें ये राशि अपना खातों में डाला जाना है, लेकिन उसमें से 5 लाख के तकरीबन डाला जा चुका है। जो 5 लाख ऐसे हैं जिनसे हमारा अकाउंट जो है, जो प्रॉब्लम जिसमें आ रही है वो ये है कि उसमें अकाउंट जो है वेरीफाई है वो सही नहीं है, जिसके कारण में नहीं डाला जा सका 11 लाख में से। और अम्बाला का जहाँ तक प्रश्न है, अम्बाला में जो टोटल फैमिली है हमारी 74,469 ऐसी फैमिली है जिसको ये सुविधा दी जानी है, लेकिन इसमें से भी 36,925 फैमिली ऐसी हैं जिसमें जिनके खातों अभी हमारे अकाउंट जो सही नहीं है, जिनके कारण उनके अकाउंट में ये राशि नहीं गई। वहीं डिपो से राशन लेने वाले गरीब परिवारों का कहना है कि उन्हें डिपो से पिछले 3 महीनों से ना तो सरसों का तेल मिला है और ना ही सरकार द्वारा दिए जाने वाले 250 रुपये उनके बैंक खाते में आए हैं। राशन में हमें आटा मिला है, बाजरा मिला है और कनक मिली है, और तेल 3 महीने हो गए, हमें कुछ भी नहीं मिला, ना पैसे आए हैं हमारे खाते में। बिल्कुल डिपो होल्डर से बोला कर रहा है हमारे कुछ लेना देना नहीं, ऊपर से आएगा जो आएगा। सरकार ने जब डिपो के जरिए दिए जाने वाला सरसों का तेल बंद किया था तो स्पष्ट कहा था कि 250 रुपये प्रति महीना लाभार्थियों के खाते में डाला जाएगा, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जो सरकार के इस लाभ से अभी तक वंचित हैं। ऐसे में सरकारी विभागों के अधिकारी अब यही कह रहे हैं कि जिन लोगों की खाते की संख्या या यूं कहें कि अकाउंट्स नंबर्स नहीं हैं, उनके खातों को जल्द ही लिंक करके अकाउंट्स में राशि डाल दी जाएगी। लेकिन वहीं गरीब परिवारों का यह कहना है कि ना तो उन्हें तेल मिल पा रहा है और ना ही सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर कब तक ये गरीब परिवार अपने आप को मिलने वाले लाभ से वंचित रहते हैं। खबरों से जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।